लखनऊ में चौथे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आगाज हो गया है। इस आगाज के बाद लखनऊ के तमाम स्कूलों के विद्यार्थी यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इनकी तमाम उम्मीदें हैं इस महोत्सव से। आइए हम बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे क्या उम्मीदें होंगी, क्या उम्मीदें हैं आपकी इस कार्यक्रम से। हम लोग नए मशीन्स के बारे में जानेंगे जो कि हमें स्कूल में देखने को नहीं मिलती हैं, बट यहाँ आके हम लोग को उनके बारे में जानने को मिलेगा और उनको प्रयोग करने को मिलेगा। उनको देख के हम लोग अपना खुद का मतलब जो माइंडसेट है उसको और ब्रॉड करेंगे। स्कूलों में मिलने वाली जो एजुकेशन है उसमें से क्या अलग यहाँ पे आपको पाने की उम्मीद है? स्कूल में उस टाइप की मशीन्स नहीं होती हैं, वहाँ पे केवल लैब्स होते हैं जहाँ पे नॉर्मल मशीनें हम लोग को प्रयोग के लिए मिलती हैं, बट यहाँ पे जो अन्य साइंटिस्ट। तो आपका क्या कहना है अभिजीत, क्या सीखने को मिलेगा यहाँ पर? यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैं अपनी इन्वेंशन को लेके आऊँगा तो वो मुझे हेल्प करेंगे यहाँ पर बनाने में और उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी बाकी लोगों को भी। बताते हैं इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में जानने को मिलेगा, ऐसा कुछ आप लोग माइंडसेट करके आए हो कि हाँ सीखने को मिलेगा? जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे राष्ट्र लोग भी आए हैं जो कि अपने अपने इन्वेंशंस लेके आए हैं, उनके बारे में और उनके देश के बारे में हम लोग को जानने को मिलेगा। उनसे मैंने दो तीन लोगों से बातचीत भी की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ लखनऊ के छात्रों में इस कार्यक्रम को लेके बहुत उम्मीद है, आने वाले वैज्ञानिकों और मॉडलों से काफ़ी उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लखनऊ से प्रशांत मिश्रा, ETV।